हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस क्लास थी हमारे पास 12th क्लास के रे ऑप्टिक्स की, उसमें हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन को। ओके, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास उससे थोड़ा फर्दर है एंड वी आर डिस्कसिंग टूडे TIR, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का? इट मींस रिफ्लेक्शन होना चाहिए और वो भी कैसे होना चाहिए, टोटल मतलब जितनी भी इंटेंसिटी हमारे पास इंसिडेंट रे की होती है उतनी ही 100% विदाउट एनी लॉस जो हमें इंटेंसिटी है मिलनी चाहिए, लेकिन कब? रिफ्लेक्टेड होके। ओके, सो इस टाइप का जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगा वो हमारे लिए कहलाएगा TIR। और ये कैसे होता है तो चलिए इसको समझते हैं इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, सबसे पहले हमें क्या कॉन्सेप्ट देखना है, हमें ये देखना है कि जी हमारे पास यहाँ पर एक काम करते हैं कि दो मीडियम है। ओके, जो आपके पास यहाँ पर बिलो मीडियम है दैट इज डेंसर मीडियम, और ये हमारे पास है यहाँ पे रेयरर मीडियम। अब क्या होता है हमारे पास कि ये डेंसर मीडियम है तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आपको दूर से भी विजिबल हो कि ये हमारे पास कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ठीक है, अब जब लाइट रे इसमें इंसिडेंट करती है तो आपकी जब भी लाइट रे इंसिडेंट करेगी तो वो क्या करेगी, नॉर्मल पे स्ट्राइक करेगी, करेक्ट। सो ये आपके पास जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये इंटरफेस होता है, इंटरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करता है उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल होती है। सो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रे क्या करती है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करती है। ओके, इट मीन्स ये जो है इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट करती है। ओके, तो ये हम यहाँ पर ले लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये सपोज कर लेते हैं कि पी ओ इज द इंसिडेंट रे। तो क्या होता है कि जो भी हमारे पास इंसिडेंट रे होती है उसका कुछ पोर्शन, ओके, जो भी हमारे पास ये इंसिडेंट रे होती है इसका जो कुछ पोर्शन होता है वो तो क्या होता है कि ये जो मीडियम है हमारे पास सेम मीडियम में रिवर्ट हो जाता है। ओके, तो सम पोर्शन ऑफ दिस इंसिडेंट रे रिवर्ट बैक इनटू दिस मीडियम। ओके, ये जो भी हमारे पास होगा दिस विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और कुछ पोर्शन हमारे पास इसका ऐसा होता है जो इस मीडियम में भी जाता है। अब देखो, नेक्स्ट मीडियम में जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। ये आपके पास डेंसर मीडियम है और ये आपके पास रेयरर मीडियम है, तो इट मीन्स जब भी डेंसर से ही लाइट रे रेयरर में एंटर करती है तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाती है। ओके, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये जो हमें यहाँ पे एंगल मिलेगा दिस इज अवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डन। सो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं Q एंड ये पॉइंट हमारे पास हो जाता है S। तो जो भी हमारे पास पॉइंट्स है हम इनको नेम कर देते हैं क्या, PO, दिस इज द इंसिडेंट रे, फाइन। अब ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ओके, एंड ये जो इंसिडेंट रे है जो एंगल बना रही है दैट इज एंगल I, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, जो भी इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है ना इसी को हम बोलते हैं I। ओके, एंड नेक्स्ट ओ क्यू इज द रिफ्रैक्टेड रे, देन, और ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे होती है ये कैसी होती है, पार्शियली, पार्शियली मतलब कंप्लीटली रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, कुछ पोर्शन आपका रिफ्लेक्शन का भी है, सो वी विल से इट पार्शियली। ओके, पार्शियली रिफ्रैक्टेड रे। सिमिलरली ये जो रे है एंगल बना रही है एंगल आर, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड ओ एस दिस इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास क्या है, जनरल फिनोमिना है जो होता ही होता है जब कोई भी लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करती है। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि हमारी लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम में जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, मतलब TIR कैसे होगा? तो अगर हम क्या करें, ये जो भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, कितना भी है सब, ओके, कितना भी है, हम सपोज करते हैं कि इसकी वैल्यू को हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं। अब बच्चा देखो, आप इसको ऐसे सपोज कर सकते हो कि ये आपके पास इंसिडेंट रे है और ये आपके पास क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टेड रे। अब बच्चे, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऐसे इंक्रीज करोगे तो ये भी तो आपके पास ऐसे इंक्रीज होगा, दिस आर, ओके,
मतलब जैसे हम इसको इस तरह बेंड करते हैं यानी कि आई को इंक्रीज करते हुए जाते हैं, वैसे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी इस तरफ मूव करती है। इट मीन्स ये वाला जो एंगल आर है ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आती है, हम उसको इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं। ये लीजिए, यहां से यहां तक का ये सारा हमारे पास डेंसर मीडियम है, ओके, एंड दिस इज आवर नॉर्मल। तो हम यहां पर ये सपोज करते हैं कि ये जो भी हमारे पास आई है अगर हम इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दें, ओके, इतनी इंक्रीज करें कि इसकी जो वैल्यू है वो यहां पर आई सी के इक्वल हो जाए, ओके। आई सी को हम यहां पर कहेंगे बच्चों क्रिटिकल एंगल, ओके, क्रिटिकल एंगल। अगर हमारे पास इंसिडेंस इतना हो जाता है तो ये जो हमारे पास रे होती है ना, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या होती है, इतना इतना शिफ्ट होती है और इतनी वैल्यू पर आकर क्या होती है, ये यहां पे आ जाती है, ओके। इट मीन्स कि यहां पे ये इंटरफेस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो आपके पास ये जो रे है पी ओ, ये इंसिडेंट रे है यहाँ पे, बट ओ क्यू जो है वो आपके पास इस पॉइंट पे आ जाती है। इट मीन्स ये यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ओके। और ये जो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे किसके इक्वल हो जाता है, एंगल आर के। सो वी कैन से डेट जब भी हमारे पास आई की वैल्यू आई सी के इक्वल होती है, ओके, वेन एवर, तो उस कंडीशन में हमारे पास एंगल आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 90 डिग्री के इक्वल हो जाती है, ओके। अब आर 90 डिग्री के इक्वल हो गया, सो वी कैन से डेट रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल, ये पैरेलल हो जाती है किसके, दिस बिकम्स पैरेलल टू सेपरेशन लाइन, ओके, वी कैन से इट सेपरेशन लाइन और वी कैन से इट इंटरफेस। तो इसके ये यहाँ पे पैरेलल हो जाती है, और कब होती है, जब आपके पास आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, आई सी के इक्वल हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कुछ स्पेशल एंगल है, ओके, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या हुई आपके पास, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द इंटरफेस, दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो वो हमारे पास कौन सा एंगल हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाता है, ठीक है। एक पॉइंट ये हुआ, मतलब आपने जो स्टेप कर रहे थे फर्स्ट स्टेप पे तो आपने ये किया, सेकेंड स्टेप में आपने आई की वैल्यू को आई सी के इक्वल कर दिया तो आपके पास आर 90 डिग्री आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास एंगल आई है, ओके, दिस वन, ये जो इंसिडेंस एंगल है, हम इसको फर्दर इंक्रीज करते जा रहे हैं, ओके, और इतना इंक्रीज कर रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, आईसी से भी ज्यादा हो जाती है। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, ओके, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, हम यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपके पास नॉर्मल है, एंड नाउ यू आर सेइंग दैट एंगल आई इज ग्रेटर देन आई सी, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है और ये जो भी यहाँ पे एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, दिस इज ग्रेटर देन आई सी, देखिए, ठीक है। तो आपके पास ये फर्स्ट सिचुएशन में चल रहा था, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सेकेंड, एंड अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की। सो अब हमारे पास जो आई है दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज ग्रेटर देन आई सी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अब इस कंडीशन में होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट रे होती है, अब आपके पास आईसी से ज्यादा एंगल हो जाता है, तो ये क्या करती है, सेम मीडियम में एज इट इज जो है वो रिवर्ट हो जाती है, ओके, सेम मीडियम में रिवर्ट हो जाती है। तो हमारे पास ये क्या मिलती है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिलती है, ओके, आप इसको नेम दे सकते हैं ओ और ये वाला क्यू। तो इस कंडीशन में ओ क्यू हमारे पास क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे, पार्शियली या फिर कम्प्लीटली, कम्प्लीटली दैट मीन्स टोटली रिफ्लेक्टेड रे। अब जो टोटली रिफ्लेक्टेड रे हो गई है ये हमारे पास, दैट मीन्स यहाँ पे जरा सा भी पोर्शन हमारा रिफ्लेक्शन का नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज द पोजिशन ऑफ टी आई आर, हम इस फिनोमिना को यहाँ पे क्या कहेंगे, टी आई आर कहेंगे। सो वेन ए लाइट रे एंटर्स इन टू ए रेयर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, ओके, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन
कंप्लीट लाइट रे रिवर्ट्स बैक इनटू द सेम मीडियम, और वो जब सेम मीडियम में रिवर्ट होती है देन दिस फिनोमिना इज नोन एज TIR, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब आप क्या मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि TIR के लिए हमें जो मेन है, जो टू एसेंशियल कंडीशंस हैं, वो क्या क्या हैं? देखिए आप सोचिए और इतने आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास एसेंशियल कंडीशंस हैं वो क्या क्या है। एसेंशियल कंडीशंस आपने सोच ली होंगी और अब आप बिल्कुल रेडी हैं मुझे बताने के लिए, करेक्ट? तो चलिए मुझे बताइए, फर्स्ट कंडीशन बताइए, क्या देखा आपने, क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे? तो आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास लाइट रे है वो कहाँ एंटर कर रही है, वो एंटर कर रही है रेयरर मीडियम में। कहाँ से? डेंसर मीडियम से। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। ओके, सो वी विल राइट हियर, लाइट रे मस्ट एंटर इंटू रेयरर मीडियम। ओके, इंटू रेयरर मीडियम कहाँ से जी? फ्रॉम डेंसर मीडियम। TIR यानी कि TIR अगर आपको देखना है तो आपकी लाइट रे को डेंसर से रेयरर में एंट्री करनी है। तो पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है जरा ऑब्जर्व करके बताइए। आपने यहाँ को देख लिया डेंसर टू रेयरर, फिर आपने देखा IIC, और उस कंडीशन में R=90°, एंड नेक्स्ट आपने क्या देखा I=IC। तो मतलब जो भी आपके पास क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू से अगर ज्यादा हुआ आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी तो TIR होगा ना। ओके, सो वी कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर TIR। ये हमारी सेकेंड कंडीशन हो जाती है। ठीक है बच्चों, कई बार हमसे ना 1 मार्क में ये कंडीशन ही पूछ ली जाती है कि क्या है आपके पास TIR के लिए एसेंशियल कंडीशन, और ये आपके पास दो ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल IC एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N=1। तो आप जानते हैं क्या कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हमने पढ़ा था इसे, कब पढ़ा था? रिफ्लेक्शन के लॉ में, रिफ्रेक्शन लॉज में हमने पढ़ा था क्या कि जब भी हमारे पास लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वहां पे क्या होता है, हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि ये जो डेंसर मीडियम है ना, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है N=1, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है रेयरर का N=2। सो अवर लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम N=1 to N=2 मीडियम में वो एंटर कर रही है। ओके, तो हम N=2 मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, इट इज इक्वल टू sin I/sin R, एंड दिस इज इक्वल टू N=1, दैट मीन्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स आप जानते हैं क्या कि यहाँ पे आपके पास I जो है वो क्या होता है, IC से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? बट वी नो डेट जब भी हमारे पास I की वैल्यू IC के इक्वल होती है तो उस कंडीशन में R की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 90° हो जाती है। सो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे देन वी विल राइट हियर sin I की जगह हमने लिया IC एंड sin R, R=90°, देन इट विल बी इक्वल टू N=1। sin IC तो आप इसको एज इट इज लिखेंगे, एंड sin 90°, दिस इज इक्वल टू 1। ओके, इसकी वैल्यू 1 होती है, सो दिस इज इक्वल टू N=1। सो वी कैन से दैट sin IC इज इक्वल टू N=1। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ जाता है। हम इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं कि जैसे हमने लिया साइन का रेसिप्रोकल, तो वो क्या हो गया हमारे पास cosec IC। क्लियर? तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N=1 का भी हम रेसिप्रोकल लेंगे। क्लियर? और इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, N=2। ये हम जो है लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्लियर? तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। थर्ड कॉन्सेप्ट,
अब यहाँ पर हमारे पास बचा है क्या कि अगर हम यहाँ पर चेक करें कि जी मैक्सिमम डेविएशन कितना हुआ, तो कितना होगा जी मैक्सिमम डेविएशन, क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं यहाँ पे। अब देखो आपकी जो इंसिडेंट रे है वो ये है, क्लियर, मतलब आपकी लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, इट शुड बी इट्स ओरिजिनल पाथ, क्लियर, ये इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था। अब ये जो है यहाँ पे वापस हो जाती है, क्लियर, तो इट मीन्स यहां से लेकर यहां तक ये जो एंगल बनाती है, अब आप यहां से इसको ये कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास क्या होगा, डेल्टा के इक्वल होगा, आपके पास ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस आई सी। डन, यहाँ पे हमारा जो टी आई आर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कंप्लीट होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टी आई आर की एप्लीकेशंस, तब तक के लिए बाय बाय। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि जिसको भी जरूरत हो बेसिक कॉन्सेप्ट की वो यहाँ से कवर कर सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।